मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान की तकरीबन शुरुआत हो गई है। बीजेपी ने अपनी जो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाली है उसकी 5 गाड़ियां तैयार हैं पार्टी दफ्तर में। इनको हरी झंडी दिखाकर सभी लोग मुख्यमंत्री रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री यहां पे मौजूद हैं, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। ये 5 अलग अलग रूट्स पे गाड़ी जा रही है। उस जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ कल चित्रकूट से होगा, जहाँ जेपी नड्डा जी इस यात्रा का हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 से लेकर 6 सितंबर तक अलग अलग जगहों से यात्राएं रवानी होंगी। दूसरी गाड़ी मंडला से होगी, जिसमें अमित शाह जी रवाना करेंगे। तीसरी गाड़ी जो खंडवा से होगी वो 6 सितंबर को रवाना होगी। 4 सितंबर को नीमच से भी रवाना होगी गाड़ी, और श्योपुर से होगी। इस प्रकार से 5 अलग अलग रूट तैयार किए गए हैं और गाड़ियों को बस रवाना करने की तैयारी है। और ये बड़ा प्रोग्राम है, बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की एक तरीके से शुरुआत होने वाली है। और इस बड़े प्रचार अभियान की शुरुआत आज बीजेपी दफ्तर से शुरू हो रही है। और हर पिछली बार और इस बार में ये फर्क है कि पिछली बार सिर्फ 1 जन आशीर्वाद यात्रा निकलती थी, मगर उस जन आशीर्वाद यात्रा को इस बार 5 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। और ये 5ों गाड़ियां अलग अलग रूट से तय होकर 25 सितंबर को वापस भोपाल आएंगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन यात्राओं का समापन करेंगे, एक बड़ी सभा करेंगे। और कुल मिला के बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान एक नए दौर में पहुंचेगा। और इन जो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों में तकरीबन सभी के फोटो लगे हैं। जो फोटो गायब है वो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का। आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नरेंद्र तोमर जी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री, और अश्विन वैष्णव हैं केंद्रीय मंत्री, जो मध्य प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी हैं। ये यहाँ से हरी झंडी दिखा के गाड़ियों का पूजा अर्चना की गई है, और इसके बाद अब ये हरी झंडी दिखा के रवाना कर दी जाएगी गाड़ी। निश्चित ही एक बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है, और इस बड़े प्रचार अभियान को उस हरी झंडी दिखाने के लिए तकरीबन सारे मध्य प्रदेश के सारे बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। हर बार ये यात्रा निकलती थी, मगर इस बार 5 यात्राएं निकाली जा रही हैं, अलग अलग रूट पे होंगी। हर बार एक यात्रा निकलती थी जिसके चलते और जो बड़ी बात यह है कि जो फोटो लगे हैं उसमें इस बार अमित शाह का फोटो नहीं है, बाकी सभी बड़े केंद्रीय मंत्रियों का फोटो है। तो निश्चित ही इस बात पे भी सवाल किए जाएंगे कि अमित शाह की फोटो इस पे क्यों नहीं लगाई है। बीजेपी ने इस बार जो स्लोगन रखा है वो है फिर इस बार भाजपा सरकार के स्लोगन के साथ ये यात्राएं 5 अलग अलग रूट पर जाएंगी और अलग अलग रूट से फिर वापस भोपाल आएंगी, जहां 25 सितंबर को एक बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री होंगे वो इसको समापन करेंगे। तो निश्चित ही बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान की एक बड़ी शुरुआत आज से यहां पर होने जा रही है। तो निश्चित ही एक प्रचार अभियान एक नए दौर में पहुंच रहा है, और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सारे बड़े नेता इस मौके पर यहाँ पे आए हुए हैं। कैमरा होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़ भोपाल।